हेलो एवरीवन, आज मैं फिनालिसिस में बात करने वाला हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हालांकि पहले भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं स्कीम के अंदर, जिसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं फिर से इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना के बेसिक फीचर्स क्या हैं और जहाँ जहाँ पे सरकार ने बदलाव किए हैं उनको मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट भी करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सुकन्या समृद्धि योजना, जैसा कि इसके नाम के अंदर ही कन्या वर्ड आ गया है, तो मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो आपकी बेटियों के लिए है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह निकलता है कि कौन कौन एलिजिबल है इस अकाउंट के लिए। तो आपकी बेटी की अगर एज 10 साल से कम है तो आप उसके नाम पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है कि आपकी जो बेटी है वो इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एग्जम्प्ट कैटेगरी का पार्ट है, मतलब कि जो पैसा आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स की एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक की ही एग्जम्पशन आपको यहाँ पर मिलेगी। जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है, और वो जो इनकम होती है वो भी नॉन टैक्सेबल होती है। और मैच्योरिटी के टाइम में जो पैसा आपको वापस मिलता है उस पर भी किसी तरह का टैक्स आपको नहीं देना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि कितने अकाउंट आप ओपन करवाने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक लेडी है, उनके फर्स्ट डिलीवरी के अंदर ही 3 बेबी गर्ल्स एक साथ हो जाती हैं। ये मैंने पहला केस लिया। दूसरा केस में हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी के अंदर तो एक बेबी गर्ल होती है और सेकेंड डिलीवरी के अंदर ट्विंस बेबी गर्ल्स हो जाती हैं। और थर्ड केस के अंदर हम ये लेके चलते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी में ट्विंस बेबी गर्ल्स हो गई और सेकेंड डिलीवरी के अंदर फिर से एक और बेटी पैदा हो जाती है। तो पहले जो 2 केस हमारे पास हैं, यहाँ पर तो आप 3 अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो हमारे पास लास्ट केस है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट डिलीवरी के अंदर ट्विन बेबी गर्ल हो गई और सेकेंड डिलीवरी में फिर से बेबी गर्ल होगी, उस केस के अंदर आप सिर्फ 2 सुकन्या अकाउंट ओपन करवाने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया है वो ये है कि पहले रूल ये था कि अगर मान लीजिए आपने 3 सुकन्या अकाउंट ओपन करवाए हैं तो जो आपको 80C में डिडक्शन मिलती है वो सिर्फ पहले 2 सुकन्या अकाउंट के केस में ही मिलती थी। लेकिन अब जो रिसेंट चेंज हुआ है उसमें अगर आपके पास 3 सुकन्या अकाउंट हैं तो तीनों अकाउंट्स के अंदर आप 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो एट प्रेजेंट 7.6% चल रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। हर क्वार्टर के एंड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिव्यू करती है और इसको बदल भी सकती है। यहाँ पर भी एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है। अब नया रूल हमें ये कहता है कि अगर मान लो बैंक के एम्प्लॉय ने गलती से आपके अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया तो वो रिवर्स नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इज कि जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट के अंदर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे क्रेडिट किया जाएगा। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना के टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका रूल हमें ये कहता है कि जब अपना अकाउंट आप ओपन करवाते हैं उसमें आप 15 साल तक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 21वें साल पे जाके कंप्लीट होगा। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने सुकन्या अकाउंट 2010 के अंदर ओपन करवाया है तो आप 2025 तक उसके अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, लेकिन जो मैच्योरिटी होगी उसकी वो होगी 2031 में जाके। मतलब कि 2025 से लेके 2031 तक जो पैसा आपका डिपॉजिटेड है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो एक और मेजर चेंज हमें देखने को मिला है वो ये है कि अगर आपने अपनी बेटी के नाम पर अकाउंट ओपन करवाया है तो आपकी बेटी उस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए एलिजिबल होगी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिनिमम 250 रुपीज़ डिपॉजिट करना कंपलसरी है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है। पहले रूल ये कहता था कि अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 250 रुपीज़ डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। अब ये कंडीशन भी हटा दी गई है कि अगर आप किसी भी कारण से सुकन्या अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव नहीं होगा। जितना पैसा आपका डिपॉजिटेड है सुकन्या अकाउंट के अंदर उस पर आपको जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना के प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो पहले रूल ये कहता था कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है या उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है तो समय से पहले भी सुकन्या अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। यहाँ पे बदलाव ये हमें देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए
अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाता है तो उस केस के अंदर भी अब आप समय से पहले अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। या गार्डियन जिसने अपनी बेटी के नाम पे अकाउंट ओपन करवाया था, अगर उस गार्डियन की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर भी समय से पहले इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की एक सबसे खास बात यह है कि इजीली ट्रांसफरेबल होता है। मान लीजिए आपने दिल्ली के अंदर अपना सुकन्या अकाउंट ओपन करवाया और कल को आप अगर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे मुंबई चले गए या कलकत्ता चले गए, तो वहाँ पर भी आप अपने अकाउंट को शिफ्ट करवा सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, बैंक चेंज नहीं होगा। सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना सुकन्या अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप किसी और शहर में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के अंदर ही उस अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो जहां मैंने आपको ये बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के बेसिक फीचर्स क्या हैं और कहां कहां पे गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किए हैं। इसी सीरीज के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर आप समय से पहले इस अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्री मेच्योर विड्रॉल के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।